अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज शेख और आज का टॉपिक है कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग CRM, जो कि मार्केटिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। CRM के अंदर क्या होता है, आप नाम से ही पहचान सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसके अंदर हम कस्टमर्स के साथ सबसे पहले रिलेशनशिप्स बनाते हैं, देन उसके बाद जब रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है तो उस रिलेशनशिप को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बोथ पर्सन, हमारे लिए भी कि हम सेलर्स हैं, हम मार्केटर्स हैं, और सामने वाले के लिए भी कि वो परचेज कर रहा है प्रोडक्ट को, वो हमें पैसे देगा, हमसे अपने फ़ायदे की चीज़ ले लेगा, हम उससे पैसे लेंगे, उसके फ़ायदे की प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर हमें सबसे पहले तो रिलेशनशिप बनाना है, फिर उसके बाद हमें उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी है इन द बेसिस ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना है, उसको वो चीज़ ऑफ़र करनी है, पहले उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको वो चीज़ ऑफ़र करनी है जो उसको चाहिए। अब हमारा फोर्स, सपोज हम किसी नए बंदे से, किसी नए क्लाइंट से मिले हैं, जाते ही हमें अपना सामान नहीं बेचना, चाहते ही अपना चूरन नहीं बेचना शुरू कर देना आपने, वो क्या होगा, एक सेल्समैन बन जाओगे आप। सेल्समैन क्या करता है, यही तो करता है, आया सर ये ले रहे नहीं ले रहे, नहीं फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। नॉट वर्क लाइक अ सेल्समैन, वर्क लाइक अ मार्केटर। सबसे पहले आप रिसर्च करें कि उसको आपकी प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं चाहिए, आप उससे पहले अंडरस्टैंडिंग करें। हो सकता है कि आप उसके पास गए हैं शैम्पू बेचने, उसको शैम्पू की ज़रूरत ही ना हो, उसको साबुन की ज़रूरत हो, और अगर आप उसको समझ लेंगे, हो सकता है कि आपकी कंपनी साबुन बनाती हो, फिर आप उसको साबुन ऑफ़र करेंगे, वो ठक करके आपसे ले लेगा साबुन, लेकिन वो भी आपको जब बताएगा, आपको जब बिठाएगा, अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा, आपसे बात करने पर एग्री होगा कि सबसे पहले आपकी नज़र में उसकी इज्जत हो या वो आपकी इज्जत करता हो। इज्जत कैसे करेगा, पहले आप रिलेशनशिप्स बनाएंगे, हम पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। मतलब आप मार्केटिंग को अगर आप सही से अंडरस्टैंड करेंगे या समझेंगे ना, तो एक सर्किल है, वो सर्किल ही एक दूसरे से पॉइंट कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है सारे पॉइंट्स। एक पॉइंट इससे मिल रहा है, 1.3 से मिल रहा है, 3-4 से, 4-5 से, 6 मिल रहा है, फिर 1 से, फिर इस तरीके से 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, इस तरीके से पूरी चेन चलती रहती है, अगेन एंड अगेन वही प्रोसेसेस होते रहते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर हमें सबसे पहले कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना है, फिर उसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है, फिर उसके साथ अपने बारे में बताना है, उसके बारे में सुनना है, बोलना कम है सुनना ज़्यादा है। और जब आप उसको सुन लेंगे, उसकी समझ लेंगे कि वो क्या चाहता है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, उसकी फैमिली किस तरीके से की है, उसकी फैमिली रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा हाँ मुझे इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ़र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म में, या फिर आप अगर बात करेंगे इंटरनेशनल वे पे, या फिर अगर आप वैसे बात करें तो बड़े मार्केटर्स ये कहते हैं कि फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही मीटिंग मैच्योर नहीं होती, वो ये कहते हैं आपको क्लाइंट से 6-7 मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, देन उसके बाद वो मीटिंग मैच्योर हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि आप इसको अपनी प्रोडक्ट ऑफ़र करोगे तो वो लेगा या नहीं लेगा, आपको पता चल जाता है मुझे अपनी प्रोडक्ट इसको ऑफ़र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको पता चल जाता है कि मैं अपनी जो प्रोडक्ट इसको बेचने के लिए लेकर आया हूँ, या मैं इसको बताऊं या नहीं बताऊं, या फिर मैं इसको बताऊं फला प्रोडक्ट जो ये ले लेगा। तो कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग CRM बेसिकली यही है, और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एक और मैं आपको लेता चलूं, ये होता है कि दो तरीके के कस्टमर्स होते हैं या दो तरीके के क्लाइंट्स होते हैं मार्केटर्स के पास ना, एक होती है अपर मैनेजमेंट, एक होती है लोअर मैनेजमेंट, जिनसे आपकी इंट्रैक्शन होती है, मीटिंग होती है। अपर मैनेजमेंट के साथ आपने गैप रखना है, और वो भी जान करके आपके साथ गैप रखते हैं,
कि मतलब गैप इस तरीके का रिलेशनशिप्स तो होंगी बट रिस्पेक्टफुल होंगी, आप उनके साथ बैठ के खाएंगे पिएंगे नहीं, आप उनके साथ बैठ के हंसी मजाक ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत चलता है, आप उनके साथ बैठ के पैसों के ट्रांजेक्शन करेंगे बट फॉर्मल मैनर्स में करेंगे, आप उनके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर्स करें, रिलेशनशिप बनाएंगे, बस ज़्यादा फ्री नहीं होंगे, इतना फ्री कि कल को आपको पेमेंट लेनी है उनसे तो वो बोले चल यार दोस्त है तू मेरा छोड़ यार रहने दे या बाद में दे दूंगा, वो डिले करता रहेगा, अगर ज़्यादा आप लोग क्लोज हो जाएंगे तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है, वो उस बंदे के लिए जो ऑनर है कंपनी का उसके लिए भी नुकसानदेह है। फिर हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, लोअर स्टाफ के ऊपर, या फिर जो लोअर कैटेगरी के हमारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स होते हैं, वो कौन होते हैं? लोकल शॉपकीपर्स, लोकल हमारे मार्ट्स वाले होते हैं, लोकल ज्वेलरी वाले होते हैं, जितने भी जो खुद ही मालिक होते हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे होते हैं अपने कारोबार में, और उनका कोई सिस्टमेटिक रोल प्ले नहीं होता उनके बिजनेस में, बस यहाँ क्लाइंट आए या उसको उनको सामान दे दिया, वो सफाई भी कुछ करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं अपने बिजनेस के, आप कह लें छोटे स्टार्टअप्स की बात कर लें, उनके अंदर बहुत सारी केसेस में ये देखा गया है कि वो लोग बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं सेल्समैन के साथ या मार्केटर्स के साथ और उनको ये अच्छा लगता है, तो कहीं पे आपको ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, ज़्यादा उनसे मिलना जुलना पड़ता है, कहीं पे गैप रखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं मिलना आपने, तो उनके साथ वो ये कहता है हमारे साथ खाएं पिए, हमारे साथ हंसी मजाक करें, वो आपको 5 चालिया गुटखा ऑफ़र करेंगे, वो आपको देखेंगे, अगर आप उनके लेवल पे उनके सस्टेनेबल लेवल पे आ रहे हैं तो वो आपसे अच्छे रिलेशनशिप्स भी बना लेंगे, वो आपसे ट्रस्ट कर लेंगे, देन वो आप उनको कोई प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे, समटाइम्स वो आपकी ले लेंगे, अगर उनको ज़रूरत नहीं भी होगी कि चलो यार दोस्त है दे रहा है ले लो, और कभी कभी ऐसा होगा उनको ज़रूरत होगी और आप ऑफ़र करेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो फिर लेंगे ज़रूर। तो हर जगह ज़्यादा फ्री भी नहीं होना और हर जगह ज़्यादा गैप भी नहीं रखना, आपने सबसे पहले समझना है सामने वाले क्लाइंट को कि वो क्या चाहता है, वो क्या मांगता है। अपर लेवल के अंदर कुछ अलग प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, लोअर लेवल के अंदर कुछ अलग प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।